आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं डेयरी की सबसे भयंकर जो समस्या है रिपीट ब्रीडिंग, उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, पंजाब जो है वो करीब 3 लाख गाय जो है हर साल पैदा करता है, और 3 लाख में से 1 लाख तो गुजरात में ही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह ये गाय पैदा हो रही है। कुछ कुछ स्थान है जहाँ पे ये गाय पैदा होती है। हिंदुस्तान में ये होलस्टीन गाय जो है पंजाब में पैदा होती है बहुत ज्यादा, और बेंगलोर में पैदा होती है, ऊटी में भी होती है। तो इनका इनका संबंध जो है वो बीज से, न्यूट्रिशन से, और आपके एआई वर्कर से है। कौन सा सीमेन आप यूज कर रहे हैं, एक सीमेन देखिए हाई कंसेप्शन रेट सीमेन आ गया है इसका, एबीएस का, तो वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, पर उससे कंसेप्शन हो जाते हैं, उससे हाई कंसेप्शन है वो। तो उसको नेट पर देख लीजिए, उसके फोटो भी यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं, उसे कंसेप्शन किंग कहते हैं। तो इसको समझ लीजिए कि इसका रिलेशन जो है दिन की लंबाई और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इससे होता है। जैसे बंगाल है, वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे ब्रीड नहीं करते। कश्मीर है, ये बहुत अच्छे ब्रीड करते हैं। पंजाब है, वहाँ अच्छे ब्रीड करते हैं। हरियाणा में भी करते हैं, राजस्थान में भी कर जाते हैं, और महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं ये ब्रीड। पर इनकी समस्या यही है कि इनमें रिपीट ब्रीडिंग हो जाती है। जितने हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल है, 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर, और ये समस्या बच्चियों में बहुत ज़्यादा है। एक तो बच्चियों का लालन पालन ठीक से नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने किताब लिख रखी है, वो आपको दीजिए। इसमें 3-4 बातें मैं ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ। एक तो ये सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर में ज़्यादा ब्रीड करती हैं, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं, आप एआई रजिस्टर से देख सकते हैं उस जगह की। और दूसरी बात यह है कि ये फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल में ज़्यादा कंसीव करते हैं। ये मत सोचिए कि हमेशा सीमेंट लेकर डोल रहे तो बहुत हो जाए। बफेलो तो खास तौर से वो जाड़े में ही कंसीव करती है, मतलब जाड़े में उत्तरी भारत में करती हैं, हरियाणा वगैरह में। अब डाउन साउथ जैसे जैसे जगह है उस तरह से ये जो है आपके आंध्र प्रदेश में और यहाँ पे भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। पर वैसे बफेलो जो है वो साल में करीब 7-8 बार जाड़े के मौसम में, जब दिन की लंबाई छोटी होती है तब हीट में आती है। और ये होलस्टीन गायें ये आती तो हीट में साल भर रहती हैं। अब इसमें यह बड़ा ज़रूरी है कि आपकी गाय को मेट्राइटिस ना हो, बच्चेदानी में मवाद ना हो, और आप रिसेप्टल का इंजेक्शन लगाएं यही करने के बाद। और दूसरी बात यह है कि विटामिन के इसमें जो है इंजेक्शन लगाए, AD3 का आता है सारा भाई का, जिसका चित्र यहाँ दिखाया गया है, वो लगाएं। और मेरा अनुभव यह है कि आप बायोप्लेक्स की गोली अगर इन्हें देंगे, ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। प्रेगनेंट कराने के बाद ये ट्रेस मिनरल्स हैं, इसमें आपके जिंक है, कैडमियम है, कॉपर है, क्रोमियम है। क्रोमियम मेन चीज है, क्रोमियम और उसमें नहीं होता है, और इसमें आयोडीन भी है, तो मैग्नीशियम भी है इसमें। तो ये बायोप्लेक्स है, वो गोली आप MSD की आप ले लीजिए, अन्यथा आप यहाँ भी टेलीफोन कर सकते हैं। अगर आपकी गाय हीट में नहीं आ रही है, अगर आपकी गाय जो है कंस्यूम नहीं कर रही है, तो बायोप्लेक्स की गोली आप लेने से ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ओरिजन क्या है, आप जो सीमेन यूज कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आया है, कनाडा से आया है, या वो USA से आया है। अब USA भी मतलब दो तरह के सीमेन देता है होलस्टीन के, एक तो मतलब ट्रॉपिक्स के लिए, अरेबिया, इंडिया और इसराइल वगैरह के लिए, और दूसरा सीमेन जो है वो दूसरा कोल्ड कंट्रीज के लिए देते हैं, जैसे कनाडा। तो इसका काफी वो है, ये मत समझिए कि आपने डेयरी खोल ली तो बस वो चलेगी। इसमें अगर आपके पास आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिशन और डे लेंथ का ज्ञान नहीं है तो आप मार खा सकते हैं। इसमें सीमेन की मेन बात है, एक ABS का कंसेप्शन किंग है, उसमें कंसेप्शन बहुत ज्यादा होता है और वो कॉस्टली भी नहीं है, शायद 100 रुपए का आ जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ब्राजीलियन गिरी का भी सीमेन जो 50-50 लीटर ब्राजीलियन गिरी देती है, वो भी अब उपलब्ध है इंडिया में। उसकी कॉस्ट करीब 3,000 रुपए है, और वो भास्कर शर्मा जी हैं, जिनका टेलीफोन नंबर 8279835572 है, वो नीचे दिखाया जा रहा है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ब्राजीलियन गिरी, उसमें टेम्परेचर का कोई खास इश्यू नहीं है, तो ये ब्राजीलियन गिरी आ जाने से आपको होलस्टीन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, आपने सुना, मेरा यहाँ एम्ब्रो ट्रांसफर स्कूल है, और मेरा लक्ष्य यही है
कि ये रिपीट ब्रीडिंग की समस्या को एम्ब्रियो ट्रांसफर की उससे सुलझाया जा सकता है और सेक्स सीमेन से आप जो है वो बच्चे पैदा करते हैं। गौ माता की सेवा के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर और सेक्स सीमेन का उपयोग भारतवर्ष जैसे देश के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप कोई भी प्रकार की ट्रेनिंग हमारे यहाँ से करना चाहते हैं तो हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं और इसके लिए हमारे ट्रेनिंग डायरेक्टर हैं जिनका टेलीफोन नंबर 7979848332 है जो नीचे दिखाया जा रहा है, तो आप उनसे संपर्क करिए। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, मैं 2004 में रिटायर हुआ था, 50 साल से डेयरी में ही रहा हूँ। मैं BBSc MBSc PhD हूँ। मैं DBT से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एम्ब्रियो ट्रांसफर में अवार्डेड भी हूँ। थैंक यू, आपने सुना, धन्यवाद।